झाले होते. जगते जगविते प्रेमाचे धागे जुळे होते. म्हणून तर ती स्त्री म्हणवली जाते. लेख ताई आई प्रेयसी पत्नी आजी अशा अनेक भूमिका स्त्री तिच्या आयुष्यात पार पाडते. म्हणून तर म्हणावं असं वाटतं, अभिमान वाटतो मला या स्त्री शक्तीचा. चला तर मग बघूया स्त्री जीवनातील विविध छटा आमच्या या सादरीकरणातून. स्त्री जीवनात तुझी ही कहाणी. छोटे से पैर और छोटे से हाथ करना चाहती है वो आपसे ढेर सारी बात. नन्ही सी वो परी जब आती है घर में रौनक भर जाती है बस एक ही पल में. खुल के जीने का एहसास जो जी लिया तो जी भर के उसने हर लम्हा जिया.
यादों को ना अलविदा कहना।
तिच्यामुळे मला कळली ही दुनिया. तुरू तुरू चालताना बोलायचे पैंजण शोभा आली घरात, तिनं फुलवलं अंगण. येता जाता घरात मला मारत असते मिठी, सदान कदा नाव तिचेच माझ्या सुद्धा उठी. खरंच काही लेख कधी जाईल मला सोडून, नुसत्या विचारानं सुद्धा कंठ येतो दाटून, कंठ येतो दाटून.
वो बन के मोहब्बत दिल में बस जाती है। किसी रिश्ते में वो माँ होती है तो किसी रिश्ते में वो बहन कहलाती है। कभी वो किसी राम की सीता होती है, कभी वो किसी कृष्ण की राधा होती है। कुछ गम भी हो तो वो छिपा लेती है दुनिया को, मगर वो हंस के दिखलाती है। वो हर रिश्ते को बड़े प्यार से निभाती है, अपने हौसलों से वो तकदीर को बदल जाती है। अपने बाबुल का घर वो छोड़ कर आती है, किसी दूसरे के घर को वो स्वर्ग बनाती है। वो खुद को मौत के मुंह में ले जाकर तुम्हारे घर के लिए एक चिराग लाती है। वो बलिदान की, वो त्याग की एक जीती जागती मूरत है। जी हाँ, वो हमारे समाज में रहने वाली एक औरत है।